जीवित करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व में जारी अपनी योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से आह्वान किया कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने में अपना योगदान दें। नमस्कार, स्वागत है आपका UK24x7 न्यूज में। आज रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र पर पूजा अर्चना की और सभी से आह्वान किया कि वे भी रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने को लेकर आगे आए तथा इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखें। बताते चले कि अपने मुख्यमंत्री काल में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी, बिंदाल नदी और सोंग नदी को लेकर कई योजनाएं क्रियान्वित की, पर जिसके बाद इन योजनाओं पर आगे कोई काम नहीं हो पाया। वहीं नदियों को पुनर्जीवित करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रयासरत हैं और इसी को लेकर आज उन्होंने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र का दौरा किया। देखिए पूरी रिपोर्ट मसूरी से नितेश उनियाल की UK24x7 के लिए। जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, हमने विचार आया हमारे सामने कि रिस्पना के दोनों तरफ 500-500 मीटर पर हम लोग ऐसी टीमें बना करके और उसके माध्यम से जैसे मोहल्ले की सफाई वे साफ होना चाहिए, नदी में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। अगर स्वयं लोग, अगर अड़ोस पड़ोस के लोग जागरूक हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि सफाई तो बहुत आसानी से हो जाएगी।